हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जब्बा शॉपिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मैं हूं एसएम और मैं आज आपको एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन देने वाला हूं यूरेका फोर्ब्स के एक लो बजट लो रेंज वैक्यूम क्लीनर की, जिसका नाम है सुपर लाइट। ये 800 मेगावाट का है और हल्की फुल्की क्लीनिंग के लिए ये बहुत ही लाभदायक है। अगर ये प्रोडक्ट आपको पसंद आता है तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और एक लंबी रिसर्च के बाद इस जैसे सिमिलर प्रोडक्ट्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। लंबी रिसर्च से मेरा मतलब ये है कि मैं पहले देखता हूँ अलग अलग वेबसाइट्स पर जाकर के कस्टमर्स के फीडबैक किस प्रोडक्ट के लिए सबसे अच्छे हैं। तो जिस प्रोडक्ट के लिए सबसे अच्छे कस्टमर के फीडबैक हैं, उन्हें मैं सिमिलर प्रोडक्ट्स की लिस्ट में सबसे ऊपर रखता हूँ। तो विदाउट एनी फर्दर एड्यू आइए शुरू करते हैं, लेकिन पहले एक नज़र इसके ट्रबल शूटिंग गाइड पर। थैंक यू। फ्रेंड्स, अब इसका मैं एक इंट्रोडक्शन शुरू कर सकता हूँ। ये है यूरेका फोर्ब्स का वैक्यूम क्लीनर और इस मॉडल का नाम है सुपर लाइट। तो ये जो वैक्यूम क्लीनर है, इसकी मेन बॉडी ये है, यहाँ आप देख सकते हैं। इसका टोटल वेट अप्रोक्सीमेटली 2.5 किलो होगा, 2.5 किलो का तकरीबन इसका वेट है। और ये इसका बैग है, यहाँ पर इसकी डस्ट सैग इसके अंदर है। इस बटन को आप प्रेस करके इसे आसानी से इस तरह खोल सकते हैं, और इसकी डस्ट सैग को अगर निकालना हो तो यहाँ से नीचे इस तरह से धीरे से पुश करें और ये निकल जाएगी। और इसको आपको किसी भी डस्टबिन में खाली कर आपको वापस करना है तो यहाँ इस तरह से इसको, ये जो दो आपको नज़र आ रहे हैं, इस तरह से इसको ऐसे लगा दें और फिर वापस इसे जैसे पहले लगा हुआ था वैसे ही ज्वाइन कर लें। तो ये इसकी मेन बॉडी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर इसके ब्लोअर के लिए है, स्पेशली इसके ब्लोअर के लिए है। यहाँ ये ब्लोअर में लगा दें। इसके साथ में इसके अलावा और क्या क्या है मैं आपको दिखाता हूँ अभी। इसके साथ में है ये जो इंस्ट्रूमेंट है फ्रेंड्स, तो ये स्पेशली ये सक्शन के लिए बहुत अच्छा ये कारगर है। इसके अलावा इसके साथ में ये इसका पाइप है, ये इसका पाइप अगर आपको छोटा लग रहा हो तो इसे आप एक्सटेंड करने के लिए ये दो पाइप्स और हैं। ये पाइप के साथ में इन दो पाइप्स को ज्वाइन कर लें तो ये 1 मीटर से भी बड़ा हो जाता है। इसके अलावा इसके लिए स्पेशल एक ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट से आप कभी कहीं भी धूल को ब्लो कर सकते हैं। आई विश के मैं आपको दिखा पाता कि किस तरह कल मैंने CPU से इसमें इसके ज़रिए से कितनी धूल, यानी मैं अगर ऐसे कहूँ कि धूल के बादल उड़ रहे थे तो गलत नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और ब्रश भी है आपके सामने, ये छोटा सा ब्रश है और ये मल्टीपर्पज़ है। ये ब्लोइंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और सक्शन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। और इसका जो ये देखिए, ये जो है ये स्पेशली फ्लोर क्लीनिंग और कारपेट क्लीनिंग के लिए है। इसे भी आप सक्शन और ब्लोइंग दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ में एक गियर है, ये गियर जो आपको नज़र आ रहा है, ये गियर, इस गियर से ये जो ब्रश आपको दिख रहा है और ये पीछे जो कुशन है ये ऊपर नीचे हो सकता है। शायद आप वीडियो में इसे आसानी से देख सकते हो। ये देखिए, ये इसे ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है, शुरू करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें एक और इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट नहीं बल्कि ये तो इसका एक डोरी कह सकते हैं। इसे खोलिए, देखिए एक सिरा इसका इस तरफ से ज्वाइन करना होगा आपको इस तरह से, और दूसरा सिरा आपको इस तरफ से ज्वाइन करना होगा इस तरह से। और इसमें एडजस्ट करने के लिए भी आपको जगह है, आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, इसे जैसे चाहे आप एडजस्ट करें। और उसके साथ इसे कंधे पर लगाकर आप आसानी से ब्लो कर सकते हैं, इसे यहाँ से पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इसके साथ में इसका ये मैनुअल कम वारंटी कार्ड है, इसमें मैनुअल है और इसके बारे में इसे कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे यूज़ करना है, उसकी सारी डिटेल्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो ये कोई बहुत टफ इंग्लिश नहीं है, बहुत आसान है और आप आसानी से समझ जाएंगे। और अगर आपको नहीं भी समझ आता है तो ऑलमोस्ट हर शहर में इनका सर्विस सेंटर अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। देखिए, ये छोटा इंस्ट्रूमेंट है, इस छोटे इंस्ट्रूमेंट के लिए कोई एग्जीक्यूटिव आपके घर पर आकर इसके डेमो नहीं देने वाला, इसे लेकर आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं अब इसका प्रैक्टिकल डेमो।
ओके फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप ये पाइप पर देखिए यहाँ किस तरह से ये धूल माउंट हो चुकी है, ये इस पर धूल चढ़ चुकी है। देखिए देखिए इधर इधर यहाँ पर भी और यहाँ दीवारों पर भी। तो मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जब भी यहाँ पर कोई झाड़ू मारता है, जैसे ही झाड़ू होती है तो झाड़ू स्टेयरकेस पर से तो धूल तो उड़ जाती है, लेकिन वो कहीं और जाकर उस वहाँ पर, जैसे कि ये आप यहाँ देख रहे हैं, पता नहीं, लेकिन यहाँ पर ये क्लियर नज़र आ रही है। ये देखिए यहाँ पर ये धूल सीढ़ियों पर से उड़कर यहाँ पर आकर बैठ जाती है, तो इसलिए हमें एक वैक्यूम क्लीनर लेने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। इसे मैं एक सक्शन के तौर पर इस्तेमाल करूँगा और इसे यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट करना होगा आपको। ये जो इसका बेसिक पाइप है इसे यहाँ कनेक्ट करना होगा और इसे एक्सटेंड करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, इसे एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पर हमें ये पाइप ज्वाइन करने होंगे। ये एक पाइप हमने ज्वाइन किया, अब हम यहाँ पर भी हमारा जो मेन सक्शन इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसे और बड़ा करना चाहूँगा तो मैं दूसरा पाइप भी इसे ज्वाइन कर दूँगा। तो ये मैंने दूसरा पाइप ज्वाइन कर लिया, ओके, और ये मैंने यहाँ पर इसे ज्वाइन किया। अब इसे क्या करना है, इसे सिर्फ स्टार्ट करना है